तुम थे मुसाफिर हम सफर, तुम गोद में चाहा मिलते ही नजर, होश मेरे हो गए बन के हवा छू गए, अब तेरे सिवा कोई नहीं, अब तेरे सिवा कोई नहीं, न जुदा होंगे हम कभी, न जुदा होंगे हम कभी। Very big regards to Director Sir, Joint Director Ma'am, Honorable Judge of this competition, Mr. Vivek Parker. Lots of blessing to all the candidates who are performing very well. A very big thumbs up to all the participants, Manas, Anshika, Shreya, Sanya, Vanshika, Vartika, Vansh, Papne, sister. You all are doing really great, bachcho. And I know that one day you will definitely achieve peak of yours. If you wish a good singer, उसी के लिए try कीजिए और उसी में आगे आए और खुद को prove कीजिए. Since we are trying for the same, हम समझते हैं कि सारे बच्चे academics में अच्छे हों जरूरी नहीं है. हो सकता है कुछ बच्चों का dance bone है, कुछ बच्चों का सिंगिंग टंग है, कुछ बच्चों का ड्राइंग हैंड है, तो वी आर ट्राइंग कि हम उनको भी इक्वली प्रमोट करें और वो बच्चे भी अपनी अपनी अपने अपने करियर में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करें और आगे जाकर एक सक्सेसफुल पर्सन बने. एंड बहुत अच्छा होता है और हम सबको काफी आगे तक लेके जाता है, पर अपनी लाइफ में जो चीजें हम खुद करके सीखते हैं वो चीजें हमें फॉर द होल लाइफ याद रहती हैं. सिंगिंग एक ऐसी कला है जो हर किसी को प्राप्त नहीं होती, जिसके कंठ में सरस्वती विराजती हैं, केवल वही लोग अच्छा गा पाते हैं. तो आपको ये गॉड गिफ्ट है, इस गॉड गिफ्ट को अपने लिए एक बून की तरह यूज कीजिए और उस पर विश्वास रखिए. लाइफ में हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको सक्सेस मिले. अगर आप 10 टाइम पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो हो सकता है कि उसमें से 4 टाइम 5 टाइम आप कंपटीशन लूज भी कर जाएं. बट कंपटीशन लूज करना कोई बड़ी बात नहीं, पर होप लूज करना बहुत गलत बात है. सिंगर्स की फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, हर कॉम्पिटिशन में विनर केवल एक ही होता है, पर जो लूजर्स होते हैं ना वही रियल विनर होते हैं. कहते हैं ना, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. सो ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड अ प्री कांग्रेचुलेशंस टू द विनर ऑफ दिस कंपटीशन. अ वेरी बिग थैंक्स टू मिस्टर पार्कर टू बी विद अस फॉर दिस टाइम एंड अ वेरी बिग थैंक्स टू माय क्यूट कंपेयरर मिस मनीत टू जस्ट कंपेयर दिस प्रोग्राम. God bless you all the best. सभी पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छा गाया था, मैंने सभी का सुना था, बहुत अच्छी अच्छी आवाजें थी. कुछ ने अपने जो पहले गाते थे उससे भी ज्यादा अच्छा गाया, तो आप अपने आप में ही एक विनर हैं कि आपने पहले से भी ज्यादा अच्छा गाया. क्योंकि यही बात है कि हमने जैसा पहले परफॉर्मेंस दी थी उससे हम ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी, यही हमारी जीत है. सभी पार्टिसिपेंट्स की मैंने सुना बहुत अच्छे से, सानिया का, वर्तिका का, मानस का, क्या नाम, पावनी पावनी सिस्टर्स, और वंश का, अंशिका का,
और श्रेया का, सभी का मैं पहले भी कुछ बच्चों का पहले भी सुन चुकी हूँ। सुरभि का अभी जो परफॉर्मेंस थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। कुछ की तो मुझे अभी वर्ड्स भी बहुत अच्छे याद आ रहे हैं। प्राप्ति सिस्टर का जो गाना था आज जाने की जितना करो, मुझे बहुत अच्छा लगा उसके जो आवाज़ के बोल थे। और जो सानिया ने जिस बार जो परफॉर्मेंस दी उसमें उसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी लग रही थी मुझे। स्पेशली सभी ने बहुत अच्छा गाया। सभी को मैं यही कहना चाहूँगी कि इस कॉम्पिटिशन में क्या है, आप आगे भी और कॉम्पिटिशन में जीतते रहेंगे तो हिम्मत ना हारे ऐसा कुछ, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन में हमें एक ही विनर रखना है। तो मायूस ना हो कि हमें इस बार नहीं मिला, लेकिन आगे आपको मिलता रहेगा मौका। पार्टिसिपेशन में भी मुझे लगता है आपको खुद परफॉर्मेंस अपनी देख के और आज रिजल्ट देखने चाह रहे हैं, कितने उत्सुक हैं, आपको पार्टिसिपेट करने में भी बहुत मजा आया होगा ऐसा मैं सोचती हूँ। और बाकी मैं सर से कहना चाहूंगी कि आप लोगों को ब्लेसिंग्स। थैंक यू, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी जूम मीटिंग पे टाइम ज्यादा नहीं बचा है तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि विनर जो भी हो, लूजर्स या जिनको फर्स्ट नहीं मिलेगा उनको जो है वो गेम के रूल्स के हिसाब से चलना है, और आज जो भी हाथ में मिले उसको विद स्माइल जो है वो एक्सेप्ट करना है, राइट? क्योंकि इसके बाद में हजारों कॉम्पिटिशन और भी आएंगे, अगर उम्मीदें रखेंगे तो आप ही जीतेंगे। और आज के जज विवेक पारकर जी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत टफ डिसीजन रहा होगा और लेकिन जैसा भी है वो बच्चों के लिए जरूर बताएं। मनमीत मैम, मैं आज ज्यादा नहीं कहूँगा, आप प्लीज प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। क्या था हम कथा सुनाते उसमें एक्चुअली हारमोनियम का जो साउंड था वो थोड़ा लाउड था। ओके, सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर आई एम गिविंग यू द रीजन सो दैट नेक्स्ट टाइम यू कैन वर्क अपॉन दैट थिंग्स। ऑलराइट, सो बी यू सिंग यू डिड सो वेल बट आई एम गिविंग यू द पॉइंट सो दैट नेक्स्ट टाइम यू कैन वर्क ऑन इट। पावनी थोड़ा सॉफ्टनेस रिक्वायर्ड है। ओके, आपका वर्तिका सुन मेरे हम सफर इट वॉज नाइस बट द सेम थिंग आई वुड से साम्या गौरगी और वर्तिका, जब वीडियो मैंने बनाने के लिए आपको बोला था कि आप वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ओके, जब ऑनलाइन प्रेजेंटेशन या आप कहीं पर भी वीडियो भेजते हैं लाइव अपने इन टैलेंट शोज के लिए, वहाँ पर आपकी प्रेजेंटेशन 50-60% आपकी प्रेजेंटेशन पर डिपेंड करता है सब कुछ। ऑलराइट, तो जैसे और अगर कोई दूसरे लाइव टैलेंट शो के लिए भी और अगर आप अप्लाई करते हैं या वीडियोस भेजते हैं तो ऑलवेज रिमेम्बर पीछे से कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। ओके, बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, अंडरस्टैंड? सो नाउ आई विल कम टू द टॉप 5। श्रेया, मनस, वंशराज, अंशिका एंड प्राप्ति बापने, एज यू आर इन द टॉप 5, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट बिकॉज इन 5 कंटेस्टेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि उसके गेम। आप प्लीज बताइए कि आप कब से सीख रहे हैं और आपका एम्बिशन क्या है? आपको आपको मैंने डांसिंग करते हुए भी देखा है, बहुत ही अच्छा डांस करते हैं। आपको मैंने सिंगिंग करते हुए भी देख लिया, बहुत ही अच्छा। आप कंपोज भी बहुत अच्छा करते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका मेन मोटिव क्या है? सिंगिंग में ज्यादा आपका फोकस है या आपका डांसिंग में ज्यादा फोकस है? हेलो हेलो मैम। यस, थैंक यू मैम। मेरा म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगता है और डांस में अपने हॉबी है एक मेरी डांस। ओके, और मुझे आगे अपने फ्यूचर में एक सेलिब्रिटी बनना है। Very good. All the best. Thank you, ma'am. Okay, तो इसी के साथ अब हम चाहेंगे कि आप एक या दो lines अगर गा देंगे अपने favorite song की तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। Okay, thank you. Mm-hmm.
Thank you, everyone. Thank you so much. वैसे आई एम नॉट द जज बट मैं अपना एक रिव्यू देना चाहती हूँ. मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये आयुष्मान गा रहा है या वंश गा रहा है. मुझे बहुत ही ओरिजिनल लग रहा था. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. सो द हाईएस्ट पॉइंट इन दीस फाइव कैंडिडेट्स वंश राज चौधरी इज ऑन द टॉप by the highest mark in like comparatively to all. So I congratulate Vansh Raj Chaudhary with Thank the highest you, point. And Manas, Shreya, Anshika and Prapti, I my best wishes is always with you. Whenever you need any help in music and anything, you can directly come to me, okay? I will be always there to help you. Manas, I like your voice. And Vansh, you Sir. Really did so well. And the way you used that piano, you played piano and drums also. And you merged and collapsed all the things. So it shows you have really prepared for it and you give your complete time for this. And one so thing much. I just want to say, that when you give your 100% without expectation, result comes like this only. So my best wishes is always with you. God bless you. If you have anything in music, related to music, anything is there, I'm always there to help you. God bless you. And at the end, I would like to thank to Sharad sir. And it's my immense pleasure to be here with this event with the school. And everyone is working so hard and I'm really happy. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, Vivek, sir. Thank you so much. Vansh Raj Chaudhary, very, very congratulations to you. Now you are the winner of Sing Like Rockstar competition and you are... Can we have a round of applause for Vansh? आपको हमारा चैनल पसंद आया हो, लेसन अच्छे लगे हो, तो कृपया करके बेल बटन दबाएं जिससे आपको जो है नोटिस मिल सके अगले लेसन का. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.